ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी की वैश्विक चुनौती ने नवाचार और नवीन टेक्नोलॉजी को अपनाने का अवसर दिया। कोविड 19 टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने दिल्ली में तैयारियों की समीक्षा की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.08% हुई। दिसंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि। और भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल आज से शुरू। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं नईम अख्तर। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए घर का वायदा करते हुए कहा है कि गरीबों की परेशानियां समाप्त होने का समय आ गया है। नववर्ष के पहले दिन आज वर्चुअल माध्यम से देश के 6 राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती जीएचटीसी इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कोविड 19 महामारी की वैश्विक चुनौती ने राष्ट्र को नवाचार और नई प्रौद्योगिकी अपनाने के अवसर दिए। उन्होंने कहा कि 6 लाइट हाउस परियोजनाएं देश में आवास निर्माण क्षेत्र को नई दिशा दिखाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि जनकल्याण के लिए लाइट हाउस परियोजनाएं बेहतरीन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी और इनसे शहरी आवासीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं पर प्रत्येक नागरिक को गर्व होगा कि राष्ट्र हमारे विकास के पथ पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब नए उत्साह और अवसरों के साथ 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ये समझती है कि देश के चहुंमुखी विकास के बिना कायाकल्प संभव नहीं है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना हो। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता। आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है, एक अलग मार्ग अपनाया है। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रक्रियाओं से बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं न सिर्फ कम समय में संपन्न होंगी बल्कि गरीबों के लिए ज्यादा किफायती और आरामदायक सिद्ध होंगी। इंदौर में जो घर बन रहे हैं उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। राजकोट में टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। फ्रांस की इस टेक्नोलॉजी से हमें गति भी मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम भी बनेगा। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा
अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्चर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते हैं। अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नोलॉजी से घर बनाए जा रहे हैं। जहां भूकंप का खतरा ज्यादा होता है वहां ऐसे घर बेहतर होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भवन निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया परियोजना शुरू की है। इससे विकास के नए मार्ग खुलेंगे और 21वीं सदी में मकान बनाने के लिए किफायती प्रौद्योगिकी मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत कम समय में लाखों मकान बनाए जा चुके हैं और अनेक मकानों का निर्माण चल रहा है। बीते 6 वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए हैं उसने एक सामान्य मानवी का, खास करके मेहनत कश मध्यम वर्गीय परिवार का ये भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है। अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। लाखों घरों के निर्माण का काम जारी भी है। केंद्र सरकार ने रेरा नियमों के माध्यम से रियल्टी क्षेत्र की परियोजनाओं में लोगों का भरोसा फिर कायम किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार रियल्टी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में आवास कर 8% से कम करके किफायती मकानों पर 1% कर दिया गया है जबकि औसत मकानों पर केवल 5% है। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आशा व्यक्त की कि 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही पूरा हो जाएगा। आज की तारीख में जो राज्यों से डिमांड आई थी 1,12,00,000 घरों की, उनमें से हमने 1,09,00,000 सैंक्शन कर दिए हैं। 70,00,000 घरों पर निर्माण किया जा रहा है और 40,00,000 घरों का निर्माण पूरा हो गया है और लाभार्थियों को मिल चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि टारगेट डेट 2022 के पहले ही हम ये सारा कार्य पूरा कर देंगे और सभी लाभार्थियों को ये आवास मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को मील का पत्थर बताया है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदारोधी तकनीक पर आधारित आवासीय सुविधा के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट इस दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये परियोजना नववर्ष पर गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। आज नववर्ष के पहले दिन ही एक नया प्रोजेक्ट लेके गरीबों को उपहार दिया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आजादी के 75वें वर्ष में 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होगा और ये कहते हुए प्रसन्नता है कि शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ घरों के निर्माण का काम आपके असंभव से दिखने वाले मिशन को संभव कर रहा है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के राजकोट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1,144 मकानों के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट। शहरी गरीबों को आवास की सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए साल की सबसे बड़ी भेंट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने वाले यह आवासों में पूरी तरह ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गुजरात के राजकोट सहित देश के 6 शहरों में प्रत्येक में 1,000 से अधिक आवास बनाए जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न कैटेगरी में गरीबों के लिए आवास निर्माण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुजरात सरकार को पुरस्कार भी दिए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश का इंदौर भी उन स्थानों में शामिल है जहां प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से महत्वाकांक्षी लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के अंतर्गत इंदौर में प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम के माध्यम से 1,024 मकान बनाए जाएंगे। राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत भी किया गया है। एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का दूसरा पुरस्कार मिला है। सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एएचपी का विशेष पुरस्कार भी प्रदेश को मिला है। नगर निगमों की श्रेणी में छिंदवाड़ा नगर निगम, वहीं नगर पालिकाओं की श्रेणी में खुरई नगर पालिका को पुरस्कृत किया गया है। देवास, बैतूल और अलीराजपुर के हितग्राहियों को भी उत्कृष्ट आवास निर्माण के आधार पर पुरस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अब तक 7,24,000 से अधिक आवास स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से लगभग 3,00,000 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 2,00,000 से अधिक आवासों का निर्माण प्रगति पर है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में कल से देशभर में शुरू होने जा रहे कोविड टीकाकरण अभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को कल के अभ्यास से जुड़ी सभी जानकारियां दी, जिनमें ड्राई रन के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाली टीमों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए टेलीफोन ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाया जाना भी शामिल है। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि टीकाकरण की जगहों और वहां तैनात किए जाने वाले अधिकारी इस बारे में तय सभी मानकों का पालन करें। उन्होंने अभ्यास के दौरान प्रशासन और चिकित्सा अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। दिल्ली में टीकाकरण के लिए तय की गई जगहों पर तैयारियों की समीक्षा करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव अमित सिंगला और सभी जिला मजिस्ट्रेटों और टीकाकरण अधिकारियों से बातचीत की। दिल्ली में टीकाकरण के लिए शाहदरा में गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दरियागंज में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और द्वारका में वेंकटेश्वर अस्पताल का चयन किया गया है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के अधिकारियों को टीकाकरण की व्यवस्था के लिए जरूरी प्रबंध करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि टीकाकरण की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। इससे पहले केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण अभ्यास के लिए प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करने को कह चुकी है। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल ने बताया कि पूर्वाभ्यास का मकसद कोविन के तहत वास्तविक स्थितियों में टीकाकरण तैयारियों का आकलन करना है। पहली बारी इतना बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम जो हम व्यस्त व्यक्तियों को देंगे शुरू होगा कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में। इसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही हैं। जो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस जो हैं कि एक वैक्सीन में एक्टिविटी कैसे होगी, बूथ किस तरह से सेटअप किया जाएगा, सेशन कैसे किया जाएगा, सेशन प्लानिंग कैसे होगी, कौन क्या करेगा, क्या डेटा देखा जाएगा, लेकिन ये तैयारी बिट्स एंड पीसेज में है। उसको चलते हुए देखना एज अ सीमलेस सिस्टम एंड अ सीमलेस अंडरटेकिंग को टेस्ट करने के लिए अब ये प्रावधान किया है कि सारे देश में एक मॉक ड्रिल होगी या ड्राई रन होगा, जो हमें ये सब जितने स्टेप्स हैं उनको हम लागू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ किस तरह से फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिसके बेस के ऊपर रिफाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी किया जाए। केंद्र के निर्देश के बाद महाराष्ट्र में कल टीकाकरण अभ्यास कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दो प्रमुख शहरों पुणे और नागपुर सहित चार जिलों को अभ्यास के लिए चुना गया है। नंदुरबार जिले को राज्य के पिछले जिलों में से एक माना जाता है, जहां कई दुर्गम क्षेत्र हैं और आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने में कठिनाई होती है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पुणे, नागपुर, जालना और नंदुरबार जिलों में कोविड टीकाकरण का ड्राई रन किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इन चार जिलों में 3-3 केंद्र स्थापित किए गए हैं और हर केंद्र पर ड्राई रन के लिए 25 व्यक्तियों का चयन होगा। इन्हें प्रत्यक्ष टीके न लगाते हुए उसी तरह की सभी प्रक्रिया की जाएगी और इसके लिए आवश्यक सुविधा इन केंद्रों पर मुहैया की गई है। इनमें बिजली, इंटरनेट और सुरक्षा की सुविधाएं अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी के अनुसार इन केंद्रों में टीकाकरण के लिए बुलाए गए व्यक्तियों की पहचान करने का कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, टीकाकरण कक्ष और निगरानी कक्ष बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस ड्राई रन के कारण टीकाकरण की तैयारी का ब्यौरा मिलेगा और आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर प्रत्यक्ष टीकाकरण सुचारू रूप से करने का मार्गदर्शन मिलेगा। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोविड टीकाकरण के लिए शुरू किए जा रहे पूर्वाभ्यास के तहत केरल में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केरल में ये पूर्वाभ्यास चार जिलों तिरुवनंतपुरम, इडुक्की, पलक्कड़ और वायनाड में चलाया जाएगा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने बताया कि कोविड टीकाकरण के लिए अब तक राज्य में 3,13,000 लोग पंजीकरण करा चुके हैं। टीकाकरण के लिए सभी जरूरी आधारभूत सुविधाएं तैयार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर बायो एनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन के आपात उपयोग को स्वीकृति दे दी है। इससे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पहले से ही उपलब्ध इन टीकों का उपयोग कई गरीब देशों में भी किया जा सकेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल कहा कि कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग को अनुमति देने के फैसले से कई देश इसे आयात कर सकेंगे और आपात उपयोग कर सकेंगे। संगठन ने कहा कि उसने फाइजर बायो एनटेक वैक्सीन की समीक्षा की है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षा और प्रभावशीलता के मानकों पर खरी उतरती है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.08% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 23,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 98,83,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय लगभग 2,54,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 20,036 नए रोगियों के सामने आने के साथ ही कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,02,00,000 से अधिक हो गई है। देश में मृत्यु दर 1.45% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 256 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,48,994 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे में 10,62,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 17,31,00,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। मिजोरम में 4,098 रोगियों के स्वस्थ होने से राज्य में ठीक होने की दर 97.47% हो गई है। रोगियों की संख्या घटकर 110 रह गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 12 नए रोगियों की पुष्टि हुई है जबकि 6 रोगी स्वस्थ हुए हैं। असम में प्राथमिक विद्यालय आज से खुल गए हैं। 10 महीने के अंतराल के बाद असम सरकार ने स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के छात्र वैकल्पिक दिवसों में स्कूल जाएंगे। ये दिशा निर्देश सरकारी और निजी स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू होंगे। विद्यालयों को सप्ताह में एक दिन सैनिटाइज किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी की वैश्विक चुनौती ने नवाचार और नवीन टेक्नोलॉजी को अपनाने का अवसर दिया। कोविड 19 टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने दिल्ली में तैयारियों की समीक्षा की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.08% हुई। दिसंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि और भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल आज से शुरू। देश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद से पिछले महीने जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर रहा। दिसंबर 2020 में कुल 1,15,174 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में ये 12% अधिक है। दिसंबर 2020 में जीएसटी संग्रह नवंबर 2020 के 1,04,963 करोड़ रुपए की तुलना में बहुत अधिक रहा। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 21 महीनों के दौरान मासिक राजस्व संग्रह के मामले में ये सर्वाधिक है। मंत्रालय के अनुसार कोविड महामारी के बाद के समय में आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी तथा जीएसटी चोरी और नकली बिलों के खिलाफ बड़े स्तर पर चलाए गए अभियान की वजह से जीएसटी संग्रह बढ़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के टोल प्लाजा पर पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से भुगतान की अनिवार्यता 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल राशि नकद लेने की व्यवस्था आज 1 जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी। फिलहाल फास्टैग से टोल का भुगतान लगभग 80% तक हो रहा है। प्राधिकरण को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि 15 फरवरी से ये भुगतान पूरी तरह फास्टैग से ही करने के लिए राजमार्ग प्राधिकरण मंत्रालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर सकती है। टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भुगतान लिया जाएगा। इन लेनों में बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुने टोल का भुगतान करना होगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण की रक्षा करने में अपना योगदान करना चाहिए। वो राज्य के पर्यावरण विभाग की वेबसाइट majivasundhara.in पर ई संकल्प अभियान का शुभारंभ करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा के उपाय के रूप में माझी वसुंधरा वेबसाइट पर ई संकल्प अभियान में सहयोग करना चाहिए। विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से संबद्ध 800 से अधिक शिक्षाविदों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रगतिशील कृषि कानूनों की सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसानों की आजीविका की रक्षा करने के सरकार के आश्वासन पर पूरा भरोसा है। बयान में सरकार और किसानों दोनों के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है और गतिरोध दूर करने के प्रयासों का सम्मान किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों ने आज राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में अकारण भारी गोलीबारी की। सेना के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल दविंदर आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने आज नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का कई बार उल्लंघन किया। उन्होंने पहले छोटे हथियारों से और बाद में तीसरे पहर करीब 3:30 बजे तोपों से गोले बरसाए। भारतीय सेना ने इस दुस्साहस का माकूल जवाब दिया। शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी सैनिकों ने नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर फिर से गोले दागे। चौकस भारतीय सैनिक पाकिस्तानी तोपों का मुंह बंद करने के लिए बराबर गोलीबारी कर रहे हैं। गोलीबारी के बीच गंभीर रूप से घायल हुए नायब सूबेदार रविंदर ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के प्रति बार बार अत्याचार की घटनाओं के बारे में पाकिस्तानी उच्चायोग के समक्ष गंभीर विरोध प्रकट किया है। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत उम्मीद करता है कि पाकिस्तान ऐसे मामलों की जांच कराएगा और मंदिर गिराए जाने तथा हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देगा। पाकिस्तान की सरकार से यह भी कहा गया है कि यह पहली घटना नहीं है कि वहां मंदिर गिराया गया है। उसे बताया गया कि 1997 में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास तथा समृद्धि की एक नई दिशा दी है। आज गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सुशासन से असम और पूर्वोत्तर के लोग काफी लाभान्वित हुए हैं। असम का पहचान सिर्फ देश के अंदर नहीं विदेश में भी पहचान बन चुका है और इस पहचान खड़ा करने के लिए बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से ही जैसे हमें सहयोग किया, इसकी वजह से आज सब संभव हो रहा है। असम की अंदर बड़ा हो या ब्रह्मपुत्र, पहाड़ हो या घाटी मैदान में बसे हुए हर जिले के लोगों ने इस सरकार को जैसे अपना लिया, जैसे सहयोग किया, जैसे आशीर्वाद दिया, इसकी वजह से असम की हर व्यक्तियों की मैं हृदय से प्रणाम देता हूँ। मुख्यमंत्री ने मानस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या बढ़ने पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की शिकार की घटनाएं भी काफी कम हो गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल आज से शुरू हो गया है। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि विश्व के वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। India has joined actually from today for the next 2 years. And there is a lot of geopolitical churning that is taking place in the world. So under those circumstances, the role of India becomes very critical and very crucial. Last year when we had the coronavirus pandemic, and it is going on even now, then the multilateral institutions, particularly the United Nations, has failed miserably. The whole world, the whole United Nations should have come together. So what India has been calling for is reformed multilateralism and whether it is different plurilateral or multilateral organizations, they need to come together. 2 years, India will make efforts and attempts to bring all the countries together on critical and crucial issues of dealing with the pandemic, climate change, terrorism. श्री सज्जनहार ने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद का भविष्य तय करने में भी अपना योगदान देगा। भारत ने चीन से अनुरोध किया है कि वह मालवाहक जहाजों,
जग आनंद और अनास्तासिया को अपने तट पर आने दे और चालक दल के सदस्यों को बदलने की अनुमति दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज पत्रकारों के सवाल पर कहा कि जग आनंद चीन के हेबेई प्रांत के जिंगतांग बंदरगाह के पास समुद्र में लंगर डाले खड़ा है। इसके चालक दल में 23 भारतीय नागरिक हैं। अनास्तासिया के चालक दल में 16 भारतीय हैं और ये जहाज चीन के काओ फिदियान बंदरगाह के पास लंगर डाले हुए है। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के कारण स्थानीय प्रशासन की ओर से लगाई गई पाबंदियों की वजह से बंदरगाह में इन जहाजों में सवार चालक दल के सदस्यों को बदलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास इस मामले में चीनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में चीन के दूतावास से भी इस मामले का जल्दी से हल ढूंढने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि चीन सरकार एक निश्चित समय सीमा के अंदर जल्द ही इसमें मदद करेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बागवानी क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश में सेब, अखरोट, चेरी और फूलों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय 3 से 4 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। समझौते की व्यवस्थाओं के अनुरूप नेफेड अगले 5 वर्ष में इन बागवानी उत्पादों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,700 करोड़ रुपए खर्च करेगा। नेफेड प्रत्येक जिले में एक किसान उत्पादक संघ भी बनाएगा। उत्तरी कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर और कठुआ में 500 करोड़ रुपए की लागत से एक एक कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर भी बनाए जाएंगे। समझौता ज्ञापन पर जम्मू कश्मीर के कृषि और बागवानी विभाग के मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी और नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर, जो कोविड 19 महामारी के कारण पिछले वर्ष 13 मार्च से आम लोगों के लिए बंद था, अब 5 जनवरी से फिर खुल जाएगा। ये सोमवार तथा अन्य राजकीय अवकाशों के अलावा प्रतिदिन खुलेगा। आगंतुक अपने आगमन की ऑनलाइन बुकिंग इन वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं presidentofindia.nic.in अथवा राष्ट्रपति सचिवालय.gov.in अथवा rbmuseum.gov.in। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले की तरह ही हर आगंतुक को 50 रूपये का मामूली पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। पहले उपलब्ध तत्काल बुकिंग की सुविधा फिलहाल नहीं होगी। केंद्र सरकार ने भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानें इस महीने की 8 तारीख से फिर से शुरू करने का फैसला किया है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा कि 23 जनवरी तक उड़ानों का परिचालन प्रति सप्ताह दोनों देशों की विमानन कंपनियों के लिए 15-15 उड़ानों तक सीमित रहेगा। ये उड़ानें केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद से संचालित की जाएंगी। और अब अर्थ जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 118 अंक बढ़कर अब तक के नए उच्चतम स्तर 47,869 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 37 अंक बढ़कर 14,019 दर्ज हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 20 रुपए घटकर 49,678 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी 404 रुपए कम होकर 67,520 रुपए प्रति किलो रह गई। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भुवनेश्वर में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा का शुभारंभ किया। इंडियन ऑयल के एलपीजी उपभोक्ता टेलीफोन नंबर 8454955555 पर मिस्ड कॉल देकर खाली सिलेंडर की बुकिंग करा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर XP100 ब्रांड के तहत ऑक्टेन 100 प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल बिक्री के दूसरे चरण की भी शुरूआत की। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल भी बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 3 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। तापमान 22 और 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई में रात के समय हल्की वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी की वैश्विक चुनौती ने नवाचार और नवीन टेक्नोलॉजी को अपनाने का अवसर दिया। कोविड 19 टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने दिल्ली में तैयारियों की समीक्षा की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.08% हुई। दिसंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।